कर्नाटक में पोस्टर पर बवाल, शिवमोगा के बाद उडुपी में हंगामा, चुनाव से पहले कौन कर रहा हिंदू मुस्लिम। कर्नाटक के शिवमोगा और उडुपी में पोस्टर विवाद के कारण माहौल गर्मा गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है, एक दूसरे पर पोस्टर के आश्रय राजनीति के आरोप लगा रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव से पहले अचानक हिंदू राष्ट्र का नारा क्यों दिया जाने लगा। दरअसल कर्नाटक के उडुपी स्थित ब्रह्मगिरी सर्कल पर एक पोस्टर लगाया गया जिसको लेकर हंगामा मच गया। पोस्टर में वीर सावरकर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर एक साथ लगा दी गई। इससे इलाके में तनाव हो गया। पोस्टर में जय हिंदू राष्ट्र भी लिखा गया। मामले को गर्माता देख इलाके में पुलिस की तैनाती की गई, फ्लैग मार्च भी किया जा रहा है। ऐसा ही एक विवाद कर्नाटक के शिवमोगा में भी देखने को मिला था। 15 अगस्त को टीपू सुल्तान के समर्थकों ने शहर के अमीद अहमद सर्कल पर बैनर लगाना शुरू किया। टीपू सुल्तान के बैनर को लगाने के लिए सावरकर के बैनर को हटाने की कोशिश की गई। इसके बाद बवाल मच गया। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक शख्स को चाकू मार दिया गया। शिवमोगा में भी धारा 144 लागू कर दी गई है और पुलिस बलों की तैनाती की गई है। शिवमोगा के बाद उडुपी की घटना को लेकर हंगामा जारी है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। कर्नाटक की बोम्बई सरकार से कांग्रेस सवाल कर रही है। पोस्टर विवाद पर शिवमोगा से बीजेपी विधायक ईश्वरप्पा ने विवादित बयान दिया और विपक्षी दलों पर गंभीर आरोप लगा दिए। पहले सुनिए बीजेपी विधायक का वो बयान। सारे स्टेट्स नहीं, सारे देश में ये एंटी नेशनलिस्ट पीएफआई हो, एडीपीआई हो, उनको सपोर्ट तो मैं डायरेक्टली अटैक करना चाहता हूँ। कांग्रेस ही उसको सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल शिवमोगा के एसडीपीए वर्कर है, वो अभी तो वो जेल में है। उनका पत्नी कांग्रेस महानगर पालिका का कारपोरेटर है। इसको अभी सभी भारतीय जनता पार्टी का हमारा कार्यकर्ता, हमारे अध्यक्ष जगदीश के नेतृत्व में उधर प्रोटेस्ट किया, कॉम से हम प्रोटेस्ट किया, बहुत शांत से हम प्रोटेस्ट किया। कौन ये काम किया है, सावरकर को अपमान किया है। क्रांतिवीर सावरकर है, स्वतंत्र होराटगार है, उनका फोटो कौन खत्म किया है, उनको इमीडिएटली तुरंत उनको अरेस्ट करना है, उनके ऊपर एक्शन लेना है, हमारा डिमांड था। दरअसल शिवमोगा और उडुपी की घटना को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जोड़ा जा रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि बीजेपी की बोम्बई सरकार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य के माहौल को खराब करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम करके मतदाताओं को गोलबंद करने की घिनौनी कोशिश की जा रही है। ऐसे भी दावे हो रहे हैं कि बोम्बई सरकार अपने घर में ही असंतोष से घिरी है। सीएम बोम्बई को बदलने की मांग भी दबी जुबान में की जा रही है। दरअसल कर्नाटक में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ राज्य के माहौल को लगातार बिगाड़ने की साजिश के आरोप भी लग रहे हैं। हालिया घटना को देखें तो उडुपी में वीर सावरकर और सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर एक साथ लगाने पर सियासी बवाल हो रहा है। शिवमोगा के बाद उडुपी में भी पोस्टर विवाद की टाइमिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर हिजाब विवाद को देखें तो इसकी शुरुआत कर्नाटक के उडुपी से हुई थी, जहां हिजाब के विरोध में छात्रों के एक गुट ने भगवा गमछे में विरोध किया था। इस विवाद की शुरुआत जब हुई थी, उस वक्त उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे। उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आई 6 छात्राओं को क्लास में आने से रोक दिया गया था। इसके बाद कॉलेज के बाहर प्रदर्शन भी हुआ था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी मार्च महीने में स्कूल कॉलेज में हिजाब बैन को चुनौती देने की याचिका को खारिज कर दिया था। हिजाब बैन को लेकर बीजेपी के नेता लगातार बयानबाजी करते रहे। इन सब के बीच कर्नाटक में सावरकर और टीपू सुल्तान के पोस्टर पर विवाद गहरा गया है। एक गुट हिंदू राष्ट्र की सोच पर सवाल उठा रहा है तो दूसरा गुट माहौल खराब करने की साजिश के आरोप लगा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।